नमस्कार। 37 साल बेमिसाल। जी हां, भारत के लगभग 13 राज्यों में अपने कदम जमा चुकी बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में हुआ था। 37 साल के इस सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन आज बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती है। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी, 37 साल का कमल। भारतीय जनता पार्टी के 37 साल का सफर कई संघर्षों से भरा था। अटल आडवाणी से लेकर मोदी और अमित शाह तक का सफर कई चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात बीजेपी के लिए सही साबित हुई जिसमें उन्होंने अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा कहा था। तभी तो आज लगभग आधे हिंदुस्तान में बीजेपी का बोलबाला है। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की ये बात मानो बीजेपी के लिए वरदान साबित हुई। वो एक दौर था जब देश में इतिहास रचा जा रहा था, देश बदलाव लाने की फिराक में था, देश को वाकई में बदलने की जरूरत थी। वो एक दौर था जब वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज भारत में झांक के देखें तो वाकई में कमल खिलता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, आज इन सभी राज्यों में बीजेपी पैर जमाए हुए है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। गठन होने के ठीक 4 साल बाद यानी 1984 में बीजेपी ने अपना पहला चुनाव लड़ा। बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि आंदोलन बनकर सामने आई। कई दौर तो ऐसे थे जब देश इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता था जहां स्थिति डगमगाने लगती थी। उसी दौर में से एक समय था जब देश में आपातकाल की स्थिति आ गई। देश के साथ ही बीजेपी दल को आपातकाल से संघर्ष करना पड़ा और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ी। आपको बता दें कि वो ऐसा दौर था जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने तानाशाही रूप में आ गई थी। जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोट देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, तब बीजेपी संघर्षों के साथ खुद अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में जुटी रही। बीजेपी पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसके बाद भी भाजपा ने कांग्रेस के अपने विरोध को जारी रखा। पंजाब और श्रीलंका को लेकर इंदिरा गांधी सरकार की आलोचना की। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर वार करती रही, जिसकी सफलता आखिरकार बीजेपी को सन 1996 में मिली। 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के साथ ही देश का विभाजन हुआ, जिसके बाद भारत आजाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, जिसके बाद हमने कई प्रधानमंत्री देखे, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव, लेकिन 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। सही मायने में वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। जी हां, बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी को लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर मजबूत ही नहीं किया बल्कि एक ऐसी दिशा दी जिससे पार्टी आज दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शुमार हो रही है। अटल आडवाणी युग में बीजेपी ने न सिर्फ जनमानस में अपनी पकड़ बनाई बल्कि ऊंचाइयों को भी छुआ। युग
जिसमें बीजेपी ने छुआ आसमान। अटल आडवाणी की जुगलबंदी का कमाल, देश की राजनीति में हुई नए युग की शुरुआत। वो स्तंभ थे, वो ऐसी राजनीति के पुरोधा थे जिनकी हर चाल अकाट्य मानी जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने देश की राजनीति में बीजेपी को सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर तैयार करने की शुरुआत की। उन्होंने बीजेपी की ऐसी नींव तैयार करने का काम किया जिसके बूते आज मोदी हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया बन पाए। नहीं तो एक धर्मनिरपेक्ष देश में खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी इस तरह विजय पताका कभी न फहरा पाती। जनसंघ से लेकर बीजेपी के पहले अध्यक्ष बनने तक अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी प्रतिभा का पार्टी की तरक्की में पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन ये तरक्की आडवाणी के बगैर मुमकिन नहीं थी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद में जिस ईंट गारे का इस्तेमाल हुआ है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का पसीना मिला है। अटल आडवाणी के बगैर मुमकिन नहीं था 2 से 272 का आंकड़ा। 1984 ये वो साल था जब बीजेपी ने अपने गठन के बाद पहला आम चुनाव लड़ा था। चुनावी मैदान में बीजेपी के ये दो धुरंधर ही थे और पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2 से 272 का सफर बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा, लेकिन ये तय है कि इस सफर में अगर सबसे ज्यादा किसी जोड़ी का योगदान है तो उनमें अटल आडवाणी ही हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की जुगलबंदी का लोहा पूरा मुल्क मानता है, वैसे ही उस वक्त अटल आडवाणी का लोहा देश मान रहा था। 1975 में आपातकाल विरोधी आंधी में रही इस जोड़ी की भूमिका, 1980 में जनसंघ को भाजपा बनाने में रहा महत्वपूर्ण योगदान। वाजपेयी गजब के वक्ता थे और आडवाणी संगठन करता थे। इन दोनों की जुगलबंदी ने बीजेपी को गांव-गांव मशहूर कर दिया और पार्टी का सांगठनिक ढांचा परवान चढ़ा। अटल आडवाणी की इस जोड़ी ने उदार और कट्टर हिंदुत्व का ऐसा तालमेल पेश किया जिसने एक नारे को जन्म दिया। लोग कहने लगे, अटल आडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। और इस नारे के साथ ही 2 सीटों से अगले ही आम चुनाव में पार्टी 89 सीटों तक पहुंच गई। आडवाणी की रथ यात्रा ने बनाई देशव्यापी लहर। भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली जोड़ी बनी। आडवाणी की छवि हार्ड लाइनर और हिंदू पुरोधा की थी और अटल बिहारी वाजपेयी को निर्विवाद तौर पर उदारवादी नेता माना जाता था। इस जोड़ी का ही कमाल था कि 1996 में पहली बार भाजपा ने एनडीए की अगुवाई करके दिल्ली की सत्ता पाने में कामयाबी हासिल की। यह बात अलग है कि सरकार सिर्फ 13 दिन की थी, लेकिन इसके बाद एक बार और इन दोनों ने कमाल किया, सरकार बनी। इस बार 13 महीने बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन आखिरकार 1999 में वो सरकार बनी जिसने अपना पूरा कार्यकाल किया। और ये पहला मौका था जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार पूरे 5 साल केंद्र की सत्ता में रही थी। वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने जिस समन्वय और सहयोग के साथ बीजेपी को आगे बढ़ाया वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जिसे बहुत लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। स्पेशल डेस्क लाइव टुडे। अटल और आडवाणी की जोड़ी भले ही आज मार्गदर्शन मंडल में हो, लेकिन एक दौर था जब इस जोड़ी ने बीजेपी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बीजेपी के सफर की कहानी में रोज एक नया मोड़ आने लगा, जिसके साथ ही देश में बदलाव की लहर चलने लगी।
अटल से मोदी तक का सफर कई चुनौतियों से भरा था, लेकिन ये चुनौतियां वक्त के साथ खत्म होती गईं और बीजेपी एक नए मुकाम पर आती रही। चाय की दुकान से चमत्कारिक शख्सियत का खिताब पाने में मोदी ने कई पड़ाव देखे, लेकिन 9 जून 2013 ये तारीख बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत की तारीख मानी जाती है। इस दिन मोदी को बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान सौंपी गई और काफी हद तक पीएम उम्मीदवारी पर उनके नाम की मोहर इसी दिन लग गई। ये वो तारीख थी जब बीजेपी ने अपने सबसे बड़े पुरोधा आडवाणी को नाराज करके मोदी युग की शुरुआत में पहला कदम बढ़ाया था। ये वो तारीख थी जब गुजरात का मुख्यमंत्री देश भर में छाने के लिए दिल्ली आया था और फिर क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। मोदी युग में बीजेपी ने किया करिश्मा, जो कभी नहीं हुआ वो मोदी युग में हुआ। विपक्ष का सफाया भगवा लहराया। दरअसल मोदी हिंदुत्व विचारधारा का एक ऐसा चेहरा बन गए थे जिसको आगे करना बीजेपी की मजबूरी बन गई, क्योंकि 2014 से पहले पार्टी की हालत खस्ता थी और उसे एक फायर ब्रांड चेहरे की जरूरत थी। मोदी ने अपनी लोकप्रियता उसी वक्त बढ़ानी शुरू कर दी थी जब 2001 में गुजरात में आए भूकंप में कई जाने चली गईं और तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान मिली और फिर मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 के चुनाव में जब मोदी प्रचार कर रहे थे और देश भर में नारा गूंज रहा था अब की बार मोदी सरकार, तो उस वक्त किसी को ये इल्म नहीं था कि ये मोदी युग का आगाज है। लेकिन मई का वो महीना जब 16वीं लोकसभा के चुनाव की मतगणना हुई तो देश और बीजेपी मोदीमय हो गया, रिकॉर्ड टूटे और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसका श्रेय गया मोदी को। 272 से ज्यादा सीटें जीती बीजेपी ने, लेकिन मोदी लहर यहीं नहीं रुकी। महाराष्ट्र हरियाणा में मोदी का जादू चला, बीजेपी सत्ता में आई। असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सत्ता मिली और दक्षिण भारत में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। यह बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत का असर था। लोग पुराने पुरोधाओं को भूलकर देश के और बीजेपी के नए निजाम को नमन करने लगे और जो कसर बाकी थी वो पूरी कर दी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे ने। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने फतह कर लिया। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। गोवा और मणिपुर में बीजेपी सत्ता में आई। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए और भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्णिम दौर में पहुंच गई। नोटबंदी, जनधन, शौचालय, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम और स्वच्छता अभियान, देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था का निर्माण किया है। आलम यह है कि बीजेपी में मोदी के कद का दूसरा न कोई है और भविष्य में न किसी के होने के आसार नजर आते हैं। सिर्फ पार्टी ही नहीं, देश के दूसरे सियासी दलों के नेताओं के लिए बीजेपी के इस दिग्गज की लोकप्रियता को छूना मुश्किल हो रहा है। स्पेशल डेस्क, लाइव टुडे। अटल आडवाणी युग, उसके बाद फिर मोदी युग, लेकिन ये तो देश की राजनीति के युग है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक युग चला। बीजेपी के कुछ नेता ऐसे भी हुए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना लोहा मनवाया और ये युग शुरू होता है कल्याण युग से। जी हाँ, कल्याण सिंह जो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में,
उनके युग से लेकर और आज जब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार में है उत्तर प्रदेश में और एक बड़ा मैंडेट उसको मिला है, तब योगी योग। इस सफर में बीजेपी ने क्या कुछ देखा उत्तर प्रदेश में, यह भी दिलचस्प है। इसकी एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ बीजेपी का वनवास। देश के सबसे बड़े सूबे में शुरू हुआ योगी युग। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चौथे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह प्रदेश की बीजेपी सरकारों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी युग की शुरुआत की कल्याण सिंह ने और वो दो बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी जो शख्स उत्तर प्रदेश का मुखिया है वो कद्दावर नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी की जिस सरकार को योगी चला रहे हैं उसने 403 विधानसभा सीटों के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने रिकॉर्ड 325 सीटें जीती हैं। अकेले बीजेपी की बात की जाए तो 312 सीटों पर जीत हासिल करके बीजेपी ने इतिहास रचा है। लेकिन यूपी में जिसे राजनीति की प्रयोगशाला कहते हैं, वहां बीजेपी का सबसे बड़ा नाम कोई है तो वो है कल्याण सिंह। 1980 से पहले, या आप समझिए 77 की इमरजेंसी से पहले, जनसंघ यहां पर थी जो मर्ज होकर के जनता पार्टी में चली। 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और दो सांसद आए, लेकिन संयोग उस समय अटल आडवाणी की जोड़ी ने जो मेहनत की, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उसी का कारण। मोदी जी भी अगर खोज है तो अटल बिहारी और आडवाणी की ही खोज है। बड़ा आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पहले अध्यक्ष हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे बीच अभी भी वो हैं। इसलिए हम लोग बड़ा गौरवान्वित रहते हैं कि हमारे प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका आशीर्वाद आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों पर है। बीजेपी का ये सफर बड़ा ही संघर्षपूर्ण सफर रहा और वास्तव में कहा जाए ये त्याग और बलिदान से प्राप्त हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीज बने, और बीज कहते ना, जब अपने को बिल्कुल गला देता है तभी पानी का प्यार और वायु का दुलार पाता है। तो ये जो बीज था आज भारतीय जनता पार्टी का वट वृक्ष बन के फैल चुका है। और मात्र 37 वर्ष की उम्र में, अगर हमें कहें 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो 37 वर्ष की उम्र एक बड़ी अल्हड़ और युवा उम्र होती है। और आज इस उम्र में ही भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने में, गली गली और गांव गांव में छा गई है। ये परिश्रम का सफर है, ये विचारधारा का सफर है। जो विचारधारा, विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन था, जो आज अंत्योदय का विचार था, जो आज सबका साथ सबका विकास है, इसमें कार्यकर्ताओं ने जो तपस्या, त्याग, तपस्या और बलिदान किया, उसका आज परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारी प्रासंगिकता है कि हम युगानुकूल रहते हैं, युग के साथ कदम ताल मिलाते हैं, और हमारे लिए देश सबसे पहले है। तो आज भारत में देश पहले मानने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के को पुष्प अर्पित किए हैं। 1991 में यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। ये वो दौर था जब पहला नकल अध्यादेश आया जिसके दम पर वो गुड गवर्नेंस की बात करते थे। उस दौर में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। दोनों ने नकल पर लगाम लगाई। ये वो दौर भी था जब बाबरी मस्जिद गिराई गई और 425 में 221 सीटें लेकर आने वाली कल्याण सिंह सरकार ने अपनी कुर्बानी दे दी। कल्याण सिंह का रुतबा कितना था, आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि केंद्र में अटल बिहारी और यूपी में कल्याण सिंह। इसके बाद 1997 में कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने। लोध समाज से ताल्लुक रखने वाले कल्याण सिंह का एक युग था और यूपी में उनके कद का कोई नहीं था। 1989-90 में जब देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई तो कल्याण सिंह को भाजपा ने पिछड़ों का चेहरा बनाया। वो हिंदू हृदय सम्राट के साथ लोधी राजपूतों के मुखिया थे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 इस दिन कल्याण सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 1993 में फिर चुनाव हुए। भाजपा के वोट तो बढ़े लेकिन सीटें घट गईं।
भाजपा सत्ता से बाहर ही रही। लेकिन कल्याण सिंह का कद कम नहीं हुआ। हालांकि कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच तनातनी की खबरें भी आती रहीं, लेकिन फिर भी वो कल्याण युग था। इसके बाद राजनाथ सिंह ने बीजेपी पर राज किया, वो अध्यक्ष रहे और यूपी के सीएम भी। लेकिन राजनाथ सिंह के बाद बीजेपी यूपी में कमजोर हुई और लड़खड़ाई भी। क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रदेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और बीजेपी वनवास पर चली गई। पूरे 14 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है और फिर 2017 में शुरू हुआ योगी युग। एक पूर्ण बहुमत की सरकार का रुतबा क्या होता है, ये योगी को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक फायर ब्रांड नेता तो वो पहले से ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो फायर ब्रांड सीएम भी कहे जाने लगे हैं। बिना कैबिनेट बैठक के 100 से ज्यादा फैसले किए और पूरी तरह से यूपी को भगवा रंग में रंग दिया। यूपी बीजेपी में योगी युग की शुरुआत है ये। अपने 37 साल के सफर में बीजेपी ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सबसे ऊंचे पायदान पर कब्जा किया है। स्पेशल डेस्क लाइव टुडे। कमल 37 बरस का हो गया है। 37 बरस एक ऐसी उम्र होती है जब आदमी अपने करियर में सबसे ऊंचाई पर माना जाता है। बीजेपी भी इस वक्त ऊंचाई पे है। देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी सत्ता में है और मोदी युग चल रहा है। मोदी का जो जादू है वो लोगों पर है, युवाओं पर है, लिहाजा बीजेपी का स्वर्णिम दौर भी है ये। आज से लेकर आगे आने वाले कुछ दिनों तक बीजेपी पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करेगी, लोगों से मिलेगी। लेकिन फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे।